हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पेंट में। दोस्तों देखिए, हम हैं पावर गेट के ऑफिशियल साइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ आप लोग से नई वैकेंसी को लेकर। और दोस्तों, आप लोग का जो रिक्रूटमेंट अभी हाल ही में संपन्न हुई थी, जो कि JEE का और आपका यहाँ पर ITI के बारे में भी मैं बात करूँगा दोस्तों। JEE का दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग का जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का पोस्ट रहता है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर मेरा एक इतना रैंक है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं उसी पे यहाँ पे डॉट आप लोग का यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी को लेकर पावर ग्रिड एक अपडेट आई है कि न्यू भर्ती जो है यहाँ पर जो है बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कोई भी क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दोस्तों, रैंक और आप लोग का पिछला बार जो है वेटिंग जो दिया था, वो वेटिंग और रैंक में क्या अंतर है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, आपको बताते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है, जिसमें दोस्तों आप लोग का ये RTI रिप्लाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैंडिडेट जो है यहाँ पर RTI रिप्लाई दिए थे, RTI में मांगे थे कि सर मेरा कितना रिजल्ट है, कब से क्या होगा। चलिए हम उसके बारे में यहाँ पे आप लोग को जानते हैं। सबसे पहले इसमें इन्होंने पूछा था कि जो है आप लोग का यहाँ पे हाउ मैनी मार्क ऑफ 10 और हाउ मैनी कट ऑफ ऑफिसी ऑफर लेटर, हाउ मैनी इलेक्ट्रिकल कट ऑफ, तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है। पर प्लीज़ चेक कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन, आप लोग लॉगिन कीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को यहाँ पर शो करेगा दोस्तों। यहाँ पर और पूछा गया था, इन फ्यूचर आई एम वेटिंग लिस्ट कंसिडर और नोट। तो दोस्तों, इन्होंने जो मैं चेक किया तो इनका वेटिंग लिस्ट 19 दिखा रहा था, जो कि SR2 में था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो है बताया गया, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिंग लिस्ट। इस बार का दोस्तों जो आप लोग का रैंक शो कर रहा है, जो 19 मतलब यहाँ पर रैंक शो कर रहा है, इसमें किसी तरह का वेटिंग लिस्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया। और लिखा है इसमें, हाउएवर प्लीज़ विजिट कैंडिडेट लॉग इन कट ऑफ परसेंटेज मार्क रैंक अप टू विच हैव बीन इशूड, यानी कि अपना रैंक और मार्क चेक कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड रहेगा उनका रैंक शो करेगा, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि वो वेटिंग लिस्ट कंसिडर किया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आप लोग को जो है पावर ग्रिड के RTI रिप्लाई दे रहा हूँ, जो कि आप लोग का SR2 रीजन का है। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया था कि नेक्स्ट वैकेंसी डिप्लोमा ट्रेनिंग का कब तक आ रही है, इसके बारे में उन्होंने बताया गया। द क्वेरी पर्टन से फ्यूचर इवेंट अकॉर्डिंगली तो आंसर वर ऑफ क्वारी नॉट क्वालिफाई एज सेक्शन 2005 के अनुसार, ये जो है आप नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वैकेंसी चाहते हैं तो पावर ग्रिड के ऑफिशियल साइट को रेगुलरली विजिट किए। तो ये दोस्तों पावर ग्रिड का जो है ये रिप्लाई है, जो कि RTI के माध्यम से आया हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर एक बात कंसिडर कर सकते चल सकते हैं कि जो भी आप लोग का यहाँ पर रैंक दिया गया है, वो आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार जो आप नंबर लाए हैं उसके अनुसार क्वालिफाइड हैं, और आपको यहाँ पर रैंक दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं सबको रैंक दिया गया है, इसका मतलब कहते नहीं कि आपका यहाँ वेटिंग है दोस्तों। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये उन पे निर्भर करता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट का मेल का जो है ID उनके पास है ही। अगर वो चाहेंगे तो आप लोग को जो है प्रॉपर एक मेल करके आप लोग को बुला लेंगे। लेकिन दोस्तों, रैंक अगर आपका शो कर रहा है तो इसका मतलब कहते नहीं कि आपका ये वेटिंग है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड की तरफ से आया हुआ है। अब दोस्त, यहाँ पे बात आ जा रही है कि इस नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों, अभी जो है जितने मेरे साथीगण कुछ है जो कि पावर ग्रिड में ज्वाइन किए हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है अभी भी मतलब जो है मैन पावर की कमी चल रही है। मतलब इतना रिक्रूटमेंट हो चुका है, लगभग तीन बार से हो चुका है पावर ग्रिड का, लेकिन फिर भी मैन पावर की रिक्रूटमेंट कम चल रही है, क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट को जो है ना पावर ग्रिड फिर से हैंडल यहाँ पे कर रहा है। तो वो प्रोजेक्ट को लेकर फिर से यहाँ पे वैकेंसी जो आप लोग को ये मई और जून के लास्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। लगभग अगर बात करता हूँ तो कुछ रीज़न डिक्लेयर कर दिया कि इतना वैकेंसी है, लेकिन कुछ रीज़न जो है अभी वैकेंसी को डिक्लेयर नहीं किया है, उन पर विचार विमर्श चल रहा है। तो आई थिंक हमको जैसा लग रहा है कि सभी रीज़न की ही वैकेंसी आउट होगी, लेकिन कुछ रीज़न अभी इस पर स्टे लगाए हुए हैं वैकेंसी को लेकर, इसकी वजह से थोड़ा उथल पुथल चल रही है। लेकिन यह वैकेंसी जो है आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, मई नहीं तो लास्ट का आप लोग का जून में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन को यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे अपना
कीजिए, क्योंकि वैकेंसी जब आती है तो तैयारी आप लोग का जो है यहाँ पे ही आप लोग को धोखा देती है, तो इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, नई वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। मैंने फ़ोन भी किया था तो उन्होंने ये भी बात बताया कि मैन पावर की कमी है, तो रिक्रूटमेंट आप लोग को यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।